Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about molar conductivity. तो molar conductivity क्या है उसके बारे में हमें discuss करना है. Molar conductivity क्या है? The conductivity of all ions given by 1 gram mole of electrolytics in its सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी. क्लियर है? मैं क्या एग्जाम्पल, मैं पहले एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से हमें समझना है कि मोलर कंडक्टिविटी है क्या. इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 1 इलेक्ट्रोड ये है एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड ये. एंड दिस कनेक्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. क्लियर है? इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फील्ड है. ठीक, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है. अच्छा, इससे पहले हमने ये पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्ट, मैंने ये बोला था कि जो IUPAC के अकॉर्डिंग है स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी ही बोलते हैं. तो कंडक्टिविटी क्या था? 1 cm³ सॉल्यूशन जो है उसका कंडक्टेंस जो है वही उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होती है. तो देखो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन इलेक्ट्रोड्स के इन बिटवीन, सपोज करो ये लेंथ 1 cm है. क्लियर है? ये इसका क्या हो गया लेंथ. और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन जो हो गया वो है 1 cm², इट मींस a². क्लियर है? तो इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? अगर हम बात करें तो ये जो सॉल्यूशन है मैंने ये क्या किया, इसमें 1 gram mole क्या ले लिया उस इलेक्ट्रोलाइटिक्स का, 1 gram mole. क्लियर है? और ये सॉल्यूशन ले रखा है तो मैंने कहा 1 gram mole कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक्स लिया. ठीक, इसके जो कैटायंस एनायंस होंगे, 1 gram इसमें कैटायंस होंगे एनायंस होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक्स का कंप्लीटली डिजोल्व होगा. तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है? द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन गिवन बाय 1 gram mole of an electrolytics in its solution is called molar conductivity of the solution. Yeah, or molar conductivity is represented by lambda m. In molar conductivity को हम lambda m से represent करेंगे. तो हम ये definition भी कह सकते हैं कि lambda m यानी molar conductivity is कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम. क्लियर है? इफ कैपिटल एम इज मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर कैपिटल एम क्या है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, देन वॉल्यूम 1000 अपॉन कैपिटल एम हो जाएगा.
या मैं आपको ये बोलूं, वी नो दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन वी, यानी कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना डिजोल्व है इन वॉल्यूम, यानी द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिजोल्व इन द पर्टिकुलर अमाउंट इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जो हो गया, सपोज इक्वेशन ये क्या है, फर्स्ट वी की जो वैल्यू है वो पुट अप इन द इक्वेशन फर्स्ट, देन लैम्डा एम इज इक्वल टू के इनटू 1000 अपॉन एम, देन ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का, क्लियर है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी इज, वी नो दैट के इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एम, क्लियर है। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या है यहां पे, तो क्या लिख सकते हो आप, सॉरी के इज इक्वल्स टू ये होता है तो के की वैल्यू यहां पुट अप करो, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम, देयर लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या है, मोलार कंडक्टिविटी, क्लियर है। आर रेजिस्टेंस, एल लेंथ, ए क्रॉस एरिया सेक्शन, एरिया सेक्शन, क्रॉस एरिया सेक्शन, क्लियर है। एम क्या है, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर है। और आप जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको क्या तो ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा एक बात और याद, एल अपॉन जो होता है अगर वो कॉन्स्टेंट है तो उसको हम बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, सेल कॉन्स्टेंट। तो आर की वैल्यू गिवन होगी, सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी, या फिर आपको कंडक्टेंस गिवन होगा, सेल कॉन्स्टेंट गिवन होगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी जब आप कैलकुलेट करोगे तो मैं यहां से इस फॉर्मूले के लिए कैलकुलेट करवा रहा हूं। तो वी नो दैट के जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उस स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो है उसकी यूनिट्स थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, अब इनटू 1000 उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती, 1 अपॉन ये। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, क्लियर। या इसको आप क्या लिख सकते हो, लीटर इनवर्स की जगह सेंटीमीटर माइनस क्यूब, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल सेंटीमीटर माइनस क्यूब। तो यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर बचा और फिर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होगी। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे आप, ओम इनवर्स को क्या बोलेंगे, सीमेंस, और सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। अब आपको ये ध्यान रखना, जो यहां हम वॉल्यूम ले रहे थे ये एमएल में, किसमें है, एमएल में है। अगर लीटर में गिवन होगा तो आपको 1000 नहीं करना है, आ रही बात समझ में। यानी ये जो वॉल्यूम लिया है मैंने किसमें लिया है, एमएल में लिया है, ठीक। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी।
अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सेम है, बट मोलार कंडक्टिविटी के लिए तो हम मोलारिटी का यूज करते हैं, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हम नॉर्मलिटी का यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, अब हम जो यहां ले रहे हैं सॉल्यूशन में, ये क्या ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ठीक। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ये लिया है, वही जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन बिटवीन जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है एंड द एरिया सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सॉल्यूशन जो लिया है वो इन एम एल से है और इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिजोल्व है। तो अब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस गिवन बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक इन इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा EQ and it is represented by lambda EQ. Clear? If VML is the volume of the solution, if VML of the, if VML is the volume of solution, volume of solution which contain one gram equivalent, which 1 gram equivalent, then lambda EQ equivalent conductivity is equals to K into V. Clear? And we know that V is equals to 1000 upon N. अब मैंने इसको लेटर में चेंज कर दिया क्योंकि वॉल्यूम किसमें है, ML गिवन होगा। इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ये जो है V पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट lambda EQ equals to K into 1000 upon N. Clear? And we know that K is equals to 1 upon R L upon A 1000 हो गया। And the equation second, K value put in the equation second, lambda EQ is equals to 1 upon R into L upon A into 1000 upon N. Clear? Here R is equals to resistance, A equals to area section, lambda EQ क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एंड N इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, यूनिट ऑफ लैम्डा ईक्यू कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ
लैम्डा ई क्यू, तो लैम्डा ई क्यू की यूनिट कैलकुलेट करोगे तो इसकी यूनिट हुई सेम, के की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू वन अपॉन इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन इक्विवेलेंट सेंटीमीटर माइनस क्यूब, तो यूनिट ऑफ लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, एंड ऐसा यूनिट क्या आएगी सीमेंस, ओम इनवर्स को क्या कहते हैं सीमेंस, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। ये तो वी विल डिस्कस, वी डू डिस्कस अबाउट मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या था, यहां जो n है इसकी जगह मोलारिटी आती है, जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में नॉर्मलिटी आती है। Now, the next topic is relationship between molar conductivity and non-equivalent conductivity. Relationship between molar conductivity and equivalent conductivity. क्लियर है, वी नो दैट मोलर कंडक्टिविटी इज के इनटू 1000 अपॉन एम, एंड दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, एंड लैम्डा इक्यू इज इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन एम, एंड दिस इक्वेशन इज सेकेंड। वी नो दैट normality is equals to molarity is equals to n, relationship होता ही है, solution chapter में पढ़ा था। n is equals to क्या है, valency factor, valency factor यानी कोई भी cation anion बन रहा हो कितने number of electrons donate कर सकता है, number of H plus ion या OH minus कितना given कर सकता है, वो उसका क्या होता है valency factor, ये अपने detail में पढ़ा है solution chapter में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो इक्वेशन फर्स्ट है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इनटू 1000 अपॉन एम हो गया, और लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप बताओ, के इनटू 1000 अपॉन जो एन है उसकी जगह क्या लिख सकते हो मोलारिटी इनटू एन। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन कितनी आ गई थर्ड, लैम्डा एम यानी जो इक्वेशन जो थर्ड है उसमें ये जो लिखा मैंने के इंटू 1000 अपॉन एम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा एम अपॉन एन मतलब वैलेंसी फैक्टर, या आप इसको क्या लिख सकते हो एन लिख सकते हो, या जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप आया लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर इज टोटल चार्ज ऑफ कैट आयन एंड एन आयन। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको कभी
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, आपसे पूछे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करो तो आप उसके वैलेंस फैक्टर में डिवाइड कर दो। सपोज करो जैसे मैंने कहा H2SO4 है और मैंने इसका मोलर कंडक्टिविटी दे दिया 1.6 × 10⁻⁴। ठीक, क्या दिया है ये लैम्डा एम। आपसे पूछेगा लैम्डा ई क्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या करोगे आप H2SO4 में जो है एसिड है तो ये वैलेंस फैक्टर जो आएगा इसका कितना आया 2, क्योंकि 2S+ दे सकते हैं। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁴/2। तो ये जो आएगा ये इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड द रिलेशनशिप इन बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है? एंड इन दिस अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप इन बिटवीन द मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड द कंडक्टिविटी, इन सब के हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा इन ये जो थ्योरी पढ़ी है इन पे न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ होंगे सारे। थैंक यू।